आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर के बाद सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स पढ़ेंगे, हमने बना था और उसमें रीड किया था, तो वही सेवन स्टेप प्लांट्स के अंदर है। तो बच्चों, आपने याद रखना है कि जिस तरह से लाइफ प्रोसेस एनिमल्स और ह्यूमंस का होता है, उसी तरह से लाइफ प्रोसेस प्लांट्स का भी होता है। लेकिन एक होता है कि वहां पे न्यूट्रिशन प्रोसेस भी होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी होता है, मगर मूवमेंट नहीं होता पौधों के अंदर। तो बच्चों, आपने बस इतना सा फर्क याद रखना है कि बाकी तो के प्रोसेस जो जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होते। तो प्लांट जो होते हैं, अपनी खुराक जो तैयार करते हैं, वो जड़ों से पानी को हासिल करते हैं, रूट्स के थ्रू वाटर जब हासिल कर लें तो सनलाइट से रोशनी हासिल होती है सूरज से। तो सूरज से जब सनलाइट उनको आती है, तो बच्चों याद रखिए कि इसके अंदर फूड तैयार होता है पौधों के अंदर। इस पूरा हम डीपली स्टडी करते हैं, मगर आपने इतना याद रखना है कि नहीं होती है। तो सब चलते हैं न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन कहते हैं पौधे होते हैं एनिमल की तरह, ये भी नीड फूड एंड वाटर टू जिंदा रहने के लिए, इनको खाना और पानी चाहिए होता है। प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दे कैन मेक देयर फूड, खुद तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं बेटा? कि प्लांट यूज सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं अपने खाना बनाने, फूड तैयार करने के लिए। दे कैन अग्री क्लोरोफिल, इनके जब ये सनलाइट मिलती है तो क्लोरोफिल पैदा होता है। सब मादा होता है, ये पौधों के अंदर पैदा, जिससे फिर क्या होता है कि क्लोरोफिल ट्रैप फ्रॉम एंड फॉर्म अ शुगर, और जो कि इंसान के इस्तेमाल में आता है। वो इतना याद रखना है न्यूट्रिशन में कि ये सूरज से रोशनी के तहत ग्रोथ बिल्कुल साइज इनका बड़ा हो जाता है, हाइट बढ़ी जाती है, वेट भी बढ़ जाता है, तो इनके अंदर ग्रोथ भी होती है और मूवमेंट नहीं होती। बच्चों, मैंने पहले एनिमल मूवमेंट्स की तरह वो जैसे मूव करते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होती, मगर सेंसिटिविटी होती है अपने प्लांट्स के सराउंडिंग। दे रिस्पॉन्ड टू चेंज सराउंडिंग में, जो एनवायरमेंट तब्दील आ रही होती है, उस लिहाज से मेडिकली अपने आप को तब्दील करते हैं। तो पौधे होते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो, बस इतना हमें याद रखना है कि पौधे जो इंसान इस्तेमाल करता है और एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं, और उसके बदले में ये कार्बन डाइऑक्साइड को टेक कर लेता है। होती है प्लांट्स रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स टू इंश्योर दैट देयर काइंड डज नॉट बिकम एक्सटिंक्ट, दे डू सो इन डिफरेंट वे। प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर्स रिप्रोड्यूस यूजिंग सीड, ऊपर से बीज आ जाता है और उन बीज से दोबारा से बिल्कुल फूल और पौधे उगाते हैं। तो इन और प्लांट होते हैं, जैसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट में फर्न, ये आपने याद रखना है कि ये रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स फ्रॉम स्पोर्स, ये स्पोर्स से खुद पैदा करते हैं। तो प्लांट होते हैं वो सीड से, और ये स्पोर्स से, यानी याद बच्चों। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स फ्रॉम अदर प्लांट पार्ट्स, जैसे यहाँ पे आ गया है कि ये खुद अपने आप से ही ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। ये एक आलू की मिसाल आपको नजर आ जाती है, और फिर ये खुद ब खुद बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। जी, अब हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जो जानदार वो गैर जानदार से कैसे है। तो सबसे पहले उनकी मूवमेंट के लिहाज से जानदार मूव करते हैं, और जो गैर जानदार होते हैं वो मूव नहीं करते। तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, बिल्कुल ये सेंसिटिव होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्राउंड देयर, बट जो नॉन लिविंग थिंग होते नहीं करते, ठीक है। मैं की तरफ चलता हूँ, पिछली स्लाइड हमारी ये लिविंग थिंग्स में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। एक्सीलरेशन प्रोसेस बिल्कुल लिविंग थिंग्स में होता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। रिप्रोडक्शन भी ऐसे होता है कि लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी नहीं होता। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? सबसे अहम चीज लाइफ प्रोसेस हमने सबसे पहले पढ़ा, और लाइफ प्रोसेस हमने किस किस का देखा, और उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व थे? मूवमेंट, रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सीलरेशन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। तो बच्चों, आपने ये बात कर लेना है, चाहे लाइफ प्रोसेस एनिमल्स का हो चाहे प्लांट का हो, ये नेम आप ऐसे बोल देता हूं, मूवमेंट, सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, एक्सीलरेशन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। और आपने आज के दिन अपनी कॉपी के ऊपर लाइफ प्रोसेस के नेम लिखने हैं, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड लाइफ प्रोसेस इन प्लांट, दोनों के लिए अलग अलग हेडिंग देके आपने हर एक के बारे में तीन जो आपने कॉपी पे नीड करनी है, फर्स्ट थ्री लाइंस जो है ना, मूवमेंट के भी, रिस्पायरेशन के भी। तो ये दो बड़े जो है ना, ये आपने कॉपी पे कंप्लीट करनी है। और उसके बाद आपने एक क्वेश्चन आपको ये भी बनेगा कि लिविंग थिंग में क्या फर्क होता है, तो जो लेक्चर में उसका जवाब भी मौजूद है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फर्क होता है, उसके भी हेडिंग देके ये क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट करना है। बच्चों, आपने दो क्वेश्चन है, एक लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स, ये आपने कॉपी पे नीड करना है,
और दूसरे क्वेश्चन जो मैंने बता दिया कि मीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये आज की इस स्लाइड में मौजूद है। आपको मैंने अभी लास्ट स्लाइड पे वो टॉपिक मैंने पूरा पढ़ाया है, मैं एक दफा आपको फिर से दिखा भी देता हूँ। पीछे ये वाला ये आपका टॉपिक वो स्टार्ट होता है कि डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग मूवमेंट, ठीक है, सेंसिटिविटी, ये आप लिखेंगे रिस्पायरेशन, एक्सेलरेशन और रिप्रोडक्शन, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपने ये वाला जो टेबल आपको यहाँ पे मैप, ये मैप भी आपने अपनी कॉपी पे ड्रा करना है। ओके बच्चों, अपना अपना और इस पूरे काम को अच्छी तरह से आपने डन कर लेना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।